हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरेज कुमार। कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का जिसका 20 तारीख को एग्ज़ाम है उसका एडमिट कार्ड आ गया। बच्चों ने भेजा है, जो पेड बैच में मैंने देखा था वहाँ पे बच्चों ने भेजा था, मैंने मांगा था तो भेजा था उन्होंने, ये नहीं कि अपने मन से भेज दिया। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या ले जाने हैं, कितने पेजेस को प्रिंट आउट कराना है, एडमिट कार्ड पर कहीं सिग्नेचर मत करना, फोटो कौन सा ले जाना है, 2 फोटो आपको एडमिट कार्ड पर दिख रहा होगा, हर चीज़ों के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। अभी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की, ठीक है। अब वो गारंटी मैंने ली है तो मैं कर दूंगा, अब बता दूंगा। और पेशेंस के साथ देखो, बहुत सारे बच्चे ना बिना सभी चीज़ों को सुने डायरेक्टली कमेंट कर देते हैं, ठीक है। और बच्चों कमेंट पढ़ने की आदत है, वीडियो के साथ कमेंट देखते रहते हैं तो उनको लगता है कि सर ने ये चीज़ें या फिर भैया ने ये चीज़ें बताई नहीं होंगी तो हम भी कमेंट कर देते हैं, तो वो चीज़ नहीं है। आराम से पहले वीडियो देखो, डाउट्स अगर लगते हैं ना देखने के बाद कि ये चीज़ मैंने नहीं बताया, तब जाके पूछो, मैं रिप्लाई दूंगा। बाद में कहते हो कि आप रिप्लाई नहीं देते, भाई जो चीज़ें वीडियो में बताई गई है रिप्लाई कैसे दे दे, ठीक है। सबसे पहले जो एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज है ना उसको कलर प्रिंट कराओगे आप, ध्यान सुना मैंने क्या बोला, कलर प्रिंट कराओगे, ब्लैक एंड वाइट नहीं चलेगा। अब कलर प्रिंट में क्या होता है ना, जो चीज़ें इसमें ब्लू दिख रही है ना प्रिंट आउट में भी वो ब्लू दिखेंगी, जो चीज़ें यहाँ पर रेड दिख रही हैं वो चीज़ें प्रिंट आउट के अंदर भी रेड दिखेगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और बहुत सारे मैंने यहाँ पे उनकी चीज़ों को हाइड कर रखा है, हिडन कर रखा है, रीज़न किसी की प्राइवेसी को हम लोग यहाँ पे रिवील नहीं कर सकते, तो बहुत सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया और फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज़ों को, ठीक है। तो थोड़ा धीरे धीरे बोलूँगा मैं। और आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर आप में से कोई बच्चा कोस्ट गार्ड नावी का जीडी का मॉक टेस्ट लगा रहा है अगर कहीं भी, तो कहीं भी लगाने से पहले ना और बाद में एक बार ए टू जेड स्टडी ऐप पे मॉक टेस्ट लगा के जाना। और लास्ट टाइम में जो हम पीडीएफ तैयार करते हैं ना, उन पीडीएफ्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, सारे पीडीएफ नोट्स को पढ़ के जाना, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों की है। और ये टेस्ट सीरीज भी देखो, सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों की है। तो इसके लिए क्या करना है भाई, ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके इस बैच में पेमेंट करके आप मॉक टेस्ट लगा पाओगे, ठीक है। और आपको पेमेंट करना नहीं आ रहा है, व्हाट्सअप करके पूछ लोगे 7279047787 पे, ठीक है। जाओ अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर आपको चैट सेक्शन में दिख जाएगा, कमेंट सेक्शन में, और वहाँ से जाके ऐप को डाउनलोड करो, और डाउनलोड करो ऐप को, और ये बैच में आप जाके मॉक टेस्ट लगा के जाओ। 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एग्जाम से पहले, मोस्ट वीवीआई मॉक टेस्ट हैं ये। अब मैं बोल रहा हूँ वीवीआई तो वीवीआई होंगी। और जो मैं नोट्स के बारे में बात कर रहा था उसकी प्राइसेस अलग अलग हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो, सारे पीडीएफ्स की लिंक है आपको मिल जाएगी वहाँ पे। बाकी चलो हम लोग चलते हैं, और पीडीएफ्स को भी व्हाट्सएप के थ्रू बाय कर सकते हो, वो थोड़ी महंगी है बट बहुत इफेक्टिव होगी एग्जाम के लिए। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे कुछ भी ना साइन नहीं करना है कहीं पे भी, एडमिट कार्ड के ऊपर खुद से पेन नहीं चलाना है, घर से जब आप सेंटर पे जाओगे तब वो बोलेंगे ना कि यहाँ पे साइन कर तब साइन करना, ये मत बोलना ना कि धीरज भैया ने बोला है पेन नहीं चलाना तो नहीं चलाएंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। वो जब बोलेंगे कि मुझे यहाँ पे सिग्नेचर कर दे तो आप कर देना, ठीक है, जब वो बोलेंगे तब, बिना बोले नहीं करना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है आपको क्या होगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ़ योर नेम एज पर आईडी कार्ड इज़ नॉट मैचिंग विथ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन काइंडली ब्रिंग योर ऑरिजिनल मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या मार्क्सिट अलॉन्ग विथ ऑरिजिनल आईडी कार्ड ड्यूरिंग स्टेज वन एग्जामिनेशन। अगर आपका एडमिट कार्ड का या फिर मार्क्सिट का या फिर आईडी पे नेम और फादर नेम डेट ऑफ बर्थ अगर मिसमैच लग रहा है तो अपनी एक आईडी के साथ, लाइक किसी के आईडी कौन सा ले जाना मैं समझा दूंगा, लेकिन अपनी एक आईडी के साथ ना 10th का मार्क्सिट ले लेना, लेकिन नाम वगैरह सब कुछ ओके है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो एक आईडी ले लेना। और वो आईडी कौन सी होगी, लाइक अगर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर दे रखा होगा, किसी का आधार नंबर दे रखा होगा, किसी का पैन नंबर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम जो दे रखा होगा, कहने का मतलब कि जो भी आईडी का मेंशन है आपके एडमिट कार्ड के ऊपर वही आईडी आपको ले जाने जरूरत है। जैसे इनके आईडी के ऊपर आधार कार्ड दे रखा था, किसी के पैन कार्ड, अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम पैन कार्ड का नंबर दे रखा होगा तो पैन कार्ड मांगा होगा, एडमिट कार्ड पर जाके चेक कर लेना ऊपर में ही, जहाँ पर आपका कास्ट लिखा होगा, नाम लिखा होगा, उसके नीचे आईडी नंबर दिया होगा, तो वो देख लेना क्या है। और आईडी नंबर अगर मैच नहीं करता है तो मे बी आपको एंट्री ना दे, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन चीज़ें थी मैंने बता दी आपको, और रिपोर्टिंग टाइम पे बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ पता है क्या है, आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम जो ईमेल दे रखा है ना वो ईमेल को याद करके जाना, बिकॉज वो ईमेल अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। वही ईमेल जो होता है नीचे लिखा होगा यूज़र आईडी होता है, इसमें नहीं लिखा है क्या, 28 सब ठीक है, छोड़ दिया इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, बट वो ईमेल आपको याद करके जाना, लॉगिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर भूल जाओगे जा ये रुक गया। देखो फ़ोन से रिकॉर्ड करते टाइम यही प्रॉब्लम होती है कि मेरी आदत छूट गई है, बहुत पहले हम लोग किया करते थे फ़ोन से जब स्टार्टिंग में थी, तो अभी की इधर उधर टच हो जाता है, ठीक है। बट एडमिट कार्ड फ़ोन पे बच्चों ने भेजा तो फ़ोन से मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो वही मैं बोल रहा हूँ अगर आपकी ईमेल आईडी भूल गई है तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा,
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, जब मैं आ जाता हूँ लाइन पर, यहाँ पे आपको ओरिजिनल आइडेंटिटी चाहिए जो मैंने बता दिया। एडमिट कार्ड आपका कलर प्रिंट आउट होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं अलाउड है। टू पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सिमिलर विथ फेशियल वगैरह वगैरह अपलोडेड यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। मतलब फेशियल फीचर्स एज अपलोडेड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोडेड में कौन सा, दो फोटो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो दो यहाँ पे आपको दिख रही है, तो आपका जो है ना, ये जो अपलोडेड फोटोग्राफ जहाँ पे लिखा है ना स्लेट वाला, वो ले जाना है। ये देखो यहाँ पे, जहाँ पे अपलोडेड फोटोग्राफ लिखा होगा स्लेट वाला, वो ले जाना है। जो आपने लाइव कैप्चर किया है वो फोटो नहीं ले जाना है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो फिर से मैं बोल दूँ, यही वाला दो फोटो ले जाना है जो आपका लेफ्ट साइड में होगा, जिस पे नाम वाम लिखा होगा, वो वाला, ठीक है ना। और रिपोर्टिंग टाइम के बारे में मैं बताता हूँ आपको, लाइक इनका 20 अप्रैल को जो है ना सी1 शिफ्ट के अंदर अगर है, तो इनका रिपोर्टिंग टाइम 3:30 में दे रखा गया है, क्लोजिंग टाइम 4 दे रखा गया है। किसी का 3 दे रखा होगा, किसी का 3:30 दे रखा होगा, ये लोग आधा घंटा की इधर उधर करके देते हैं जानबूझ के, ताकि एंट्री में प्रॉब्लम ना आए, भीड़ ना लगे ज़्यादा, ठीक है। तो ये जो सीन है, तो आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुँचना है, एग्ज़ाम टाइम पर फोकस नहीं होना कि एग्ज़ाम टाइम लिखा है 4:45 तो पहुँचेंगे 4:30 में, ऐसा मत करना, एंट्री नहीं देंगे वो लोग, ठीक है। आपको 4 बजे के बाद आपका एंट्री बंद हो जाएगा। तो कोशिश यही रहेगी 4 बजे से पहले, और भरसक कोशिश हो जाए कि 3:30 से पहले हम सेंटर पर पहुँच जाएँ। तो जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे पहले सेंटर पर पहुँचना, आधा घंटा वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्टिंग टाइम जब हो जाएगी, बोलेंगे मुन्ना आजा लाइन लगा ले, एंट्री कराएंगे, ठीक है। तो पहले पहुँची रहोगे तो बैग वगैरह सबमिट करना होता है, बैग से आईडी निकालना होता है, तो प्रॉपर टाइम मिलेगी। अगर एग्जैक्ट टाइम पे पहुँचोगे ना, तो वो लोग चिल्लाएंगे आ जाओ लाइन लगो, आप बेचैन हो जाओगे। बैग सबमिट जहाँ पे जमा होता है वहाँ पे लंबी भीड़ लग जाएगी, पैसे वैसे गिर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बैग वाले भी आजकल पैसे ले रहे हैं जमा करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स कुछ गिर जाएगा। तो फिर क्या करोगे, पहले पहुँचो, रिलैक्स रहो, और खुद को भी सेफ रखो, और अपनी प्रॉपर्टी भी जो होगी उनको भी सॉफ्ट रखना, मतलब सेफ रखना। प्रॉपर्टी इन द सेंस, जो आपके पर्स होंगे, बैग के अंदर कुछ गैजेट्स होंगे, लाइक मोबाइल वगैरह जाओगे सबमिट करोगे, तो इन सब चीज़ों को ठीक ठाक केयरफुली तरीके से सबमिट करना, तो पहले पहुंचना, ठीक है। अब आ जाते हैं ड्रेस कोड के ऊपर। ड्रेस कोड से पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिया, कुछ भी आपको 10th 12th का सर्टिफिकेट नहीं, 12th का तो कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट कब चाहिए या फिर मार्कशीट कब चाहिए, अगर किसी का नाम कुछ गलत है तब, जब वो सब सही है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा एक ओरिजिनल वैलिड आईडी कार्ड लोगे जो उस पर आपका एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, एक खाली फर्स्ट फ्रेज का, अब ये लिखा है ना कि बैक टू बैक प्रिंट आउट, उस पर फोकस मत करो, वो कुछ नहीं है। इंस्ट्रक्शंस को प्रिंट आउट नहीं कराना होता है, खाली फर्स्ट पेज को कलर प्रिंट आउट कराना, रंगीन प्रिंट आउट कराना, वो ले जाना, और दो पासपोर्ट साइज़ वो वाली फ़ोटो जो कि स्लेट वाली आपने अपलोड की है, जिसके नीचे अपलोडेड इमेज लिखा होगा, वो कैप्चर्ड इमेज वाला नहीं, ठीक है। बस अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो एक चीज़ ध्यान देना, और आपको TA लेना, TA इन द सेंस ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर आपके पास आने जाने का भाड़ा लेना है, तो आपके पास आने जाने का भाड़ा के लिए ना ट्रेन का या फिर बस का टिकट आपके पास होना जरूरी है। यही नहीं सोचना कि हम बिना टिकट के पहुंच जाएंगे सेंटर पे, ट्रेन पे चढ़ के और TA मांगने लगेंगे, तो बोलेंगे टिकट दिखा, तो बोलोगे टिकट, हम तो बिना विदाउट टिकट आए हैं, तो बोलेंगे चल विदाउट टिकट घर चले जाना, पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप SC ST से हो और आपको TA लेना है, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, आपको SC ST सर्टिफिकेट ले जाना होगा, उसका 2 ओरिजिनल और 2 फोटो कॉपी ले जाना होगा, और कलर बैक मतलब कलर होना चाहिए, और एडमिट कार्ड का एक और एक्स्ट्रा भी फोटो कॉपी चाहिए, मतलब एडमिट कार्ड कलर प्रिंट चाहिए, SC ST का सर्टिफिकेट कलर प्रिंट नहीं चाहिए। एडमिट कार्ड 2 ले जाना पड़ेगा आपको, एक तो एग्ज़ाम के लिए और एक TA के लिए, ठीक है। और एक कैंसिल चेक होता है, वो ले लेना, अगर आपके घर में चेक है तो ठीक है, अदरवाइज बैंक से निकलवाना पड़ेगा। और इसके साथ कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर TA का फॉर्म होता है वो, अगर आपको TA नहीं चाहिए तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा जो मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स बताए आपको वो ले जाने। अगर आप SC ST से भी हो और आप भाड़ा नहीं लेना चाहते हो कोस्ट गार्ड से, तो आपको इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, SC ST की सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है, TA फॉर्म की जरूरत नहीं है, कैंसिल चेक की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर आने जाने का बहुत ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है, तो चुपचाप रहो, TA के चक्कर में मत पड़ना, जितना का बबुआ नहीं उतना झुंझुना लग जाता है, ठीक है। अब मैं ड्रेस कोड के बारे में बताता हूँ। देखो ड्रेस कोड के अंदर सबसे पहले ना, आप शर्ट पहनो चाहे वो पहनो, टी शर्ट पहनो, हाफ स्लिप्स का होना, क्या कहते हैं उसको, स्लिप्स का होना चाहिए, हाफ बाजू का होना चाहिए, फुल बाजू नहीं होना चाहिए। अगर फुल बाजू का शर्ट पहन के जाते हो तो आपको एंट्री नहीं देंगे, ठीक है, एंट्री नहीं देंगे। क्या कहेंगे कि मुन्ना शर्ट खोल के बाहर, अगर आप बनियान नहीं पहनोगे ना तो भी खुलवा देंगे, फिर आप शर्माओगे, वहाँ पर गार्डिंग में लड़की भी होती है और आप ठहरे आँख सेकने वाले इंसान, आँखें सेकते रहोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा वहाँ पर, बिना कपड़े के नंगू पंगू बैठा देंगे तो फिर शर्म आएगा आपको। तो हाफ़ कपड़े पहन के जाना, टी शर्ट या फिर शर्ट जो भी है हाफ, ठीक है।
और आपको पैंट कैसा होना चाहिए। जींस अलाउड है, जींस पहन के जा सकते हैं, लेकिन जींस में बहुत ज़्यादा पॉकेट नहीं। देखो जनरली जींस के अंदर चार पॉकेट्स होते हैं, दो पॉकेट आगे दो पॉकेट पीछे, वो अलाउड है। अब देखो इसके ऊपर सवाल नहीं पूछना चाहिए दोबारा, इसी को लेके बहुत ज़्यादा आप छेड़ते हो आप लोग। मैंने जो बोला ना कि दो पॉकेट आगे दो पॉकेट पीछे, ये एक नॉर्मल जींस का पहचान है। अब बिना पॉकेट वाला कहाँ से जींस बनाते हैं, कंपनी खोलना पड़ जाएगा कि चल बिना पॉकेट अगर, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है। दो पॉकेट आगे दो पॉकेट पीछे ये जींस होता ही है, या फिर कोई भी पैंट के अंदर नॉर्मली इतना होता है। लेकिन एक जींस आपने देखा होगा ना कार्गो वाला, घुटना पर भी पॉकेट और घुटना के नीचे भी पॉकेट, वो वाला कार्गो अलाउड नहीं है। अगर पहन के जाओगे, अगर आपके पास अच्छा सा वैसा कपड़ा नहीं है तो एक तौलिया लेके जाना, वो बोलते हैं बहुत बार मैंने देखा है पटना में, तौलिया लपटवा के ना गमछा लपटवा के एंट्री करा देते, जा तू गमछा पे एग्ज़ाम दे बबुआ, तो वो सीन है। और जूता पहन के जा सकते हो, लेकिन जूता सेंटर के बाहर खोलना पड़ेगा, एग्ज़ाम हॉल में एंट्री जूता पहन के नहीं देंगे। तो भरसक अगर जूता चप्पल है अच्छा सा, या फिर कैसा भी है आपका चप्पल और पहन के आने जाने लायक है, लगे कि टूटे ना बीच में, तो आप चप्पल पहन के जाना। अब ऐसा ना कि चप्पल की स्थिति ख़राब चल रही है और हम चप्पलें पहन के चल गए तो बीच में टूट जाएगा, तो फिर दिक्कत है। तो उस सिचुएशन में आप जूता पहन के जाओ और सेंटर के बाहर जूता खोल लेना, ठीक है। वहाँ पे वो लोग खोलने का जगह देते हैं कि खोल दे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो नॉर्मल थी, छोटे भाई की तरह हो आप सब, तो मेरा बताने का फ़र्ज था, मैंने बताया। और अगर आप में से कोई लड़का ऐसा है जिसको शौक है इयररिंग पहनने का, या फिर गले में कोई भगवान जी का भी धग्गा हो, या फिर कोई माला हो, भगवान जी का भी हो उनको मैटर नहीं करता, हाथ में भी कोई धग्गी वगैरह आपने बांध रखा है, तिलक वगैरह, क्या उसको तिलक नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, जो नहीं पूजा पाठ वाला धग्गी होता है, वो सब घर पे खोल के रिस्पेक्टेड तरीके से रख के जाना। अदरवाइज़ वहाँ पे ना बेहुदे की तरह वो लोग काट के फेंक देते हैं, पैर के नीचे दंग आता है, तो वो काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं ना कि अपना अपना रिलीजन है, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ी सी चीज़ों को अच्छे से करो, ठीक है। पूजा पाठ की चीज़ों को पैर के नीचे नहीं आना चाहिए। और चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, आपके रिलीजन का चीज़ है पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, तो उसको रिस्पेक्टेड तरीके से घर पे छोड़ के जाओ, ठीक है। तो कोई भी हाथ में अलाउड नहीं है, हाथ में कर्निंग अलाउड नहीं है, सब कुछ घर पे। सोने वोने किसी भी चीज़ से, कितनी भी महंगी चीज़ हो, आपको बोलेंगे खोल दो, अब आप समझो कहाँ खोल के रखोगे। इससे अच्छा वो सब चीज़ों को बिना पहने जाना, ठीक है। बाल कैसा भी हो मैटर नहीं करता, उससे कोई दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है ना। और जो चीज़ें थी मैंने बता दी। बैग वैग अगर ले जाते हो तो वहाँ पे आसपास में रुक जाओ, फिर से रुक गया ये चीज़, आसपास में जगह रहता है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो। गाइस उम्मीद है सारी चीज़ें मैंने बता दी होंगी, इसके अंदर कुछ भी रह नहीं गया होगा। एक डाउट है पेन का, तो पेन ले लेना, बॉल पेन। पेन वहाँ पे वैसे वो लोग देते हैं, लेकिन अपना पेन पॉकेट में हमेशा होना चाहिए, कि स्टूडेंट की पहचान है, ठीक है। एक पेन हमेशा पॉकेट में होनी चाहिए, और हाँ एक या दो जितनी भी हो पॉसिबल ले लेना ज़रूर। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह केयरफुली ले जाना, ध्यान रहे ये चीज़ की एडमिट कार्ड ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, कलर होना चाहिए। दो पासपोर्ट साइज़ की रंगीन वो फ़ोटो जो आपने अपलोड की है, एक मिनिमम एक वैलिड आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, ठीक है। बस ये तीन चीज़ चाहिए। अगर आपको TA लेना है तो SC ST सर्टिफिकेट बच्चों के लिए मैंने बता दिया क्या चीज़ें चाहिए। बाकी जाने से पहले अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो A to Z स्टडी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बाय करके लगा सकते हो, पेमेंट करना पड़ेगा आपको 123 रुपीज़। और आपको हमारी नोट्स पढ़ के जानी है तो चीज़ें समझ रहे हो। देखो नोट्स का ना मैं फोर्स नहीं करता, जिसको ट्रस्ट है वो पढ़े, जिसको नहीं है वो मत पढ़े, क्योंकि आपको रिव्यू जब मैं कराऊंगा तो आप सुन सुन के खरीदने के लिए बेचैन रहोगे। जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले खरीदने से अच्छा कि 2-3 दिन पहले खरीद के पढ़ लो, ठीक है। तो सारे नोट्स की PDFs का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन आप चाहो तो व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो, और व्हाट्सअप पे PDF भेज दी जाएगी। PDF महंगी है बट भेजी आई है। बाकी गाइस मैं नंबर दे देता हूँ, पेमेंट्स रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना और A to Z स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना।